बिंदु फ्रॉम बीएससी केमिस्ट्री यूनिट सेकंड ईयर माय इंटरनल असेसमेंट टॉपिक ऑन डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। एल्कोहल्स मेनली तीन टाइप के होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाई और ट्राईहाइड्रिक, जिसमें दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होते हैं वे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, क्योंकि इन दोनों में 2OH ग्रुप अटैच हैं तो ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इनको मेनली ग्लाइकोल्स बोलते हैं। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें एल्कीन का हाइड्रोक्साइलेशन करवा देते हैं तो डिफरेंट कार्बन के ऊपर 2OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन होगी डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की। सेकंड, इपोक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे एच पॉजिटिव आयन मीन्स एसिडिक मीडियम में, इसमें भी डिफरेंट कार्बन के ऊपर 2OH ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो इससे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स प्रिपेयर हो जाती है। थर्ड, इसमें हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं डाई हेलो एल्केन्स का, मीन्स दोनों ब्रोमीन के एटम रिप्लेस हो जाएंगे OH ग्रुप से, जिससे डिफरेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आने से डाईहाइड्रिक एल्कोहल बन जाएगी और 2NaBr और CO2 एज बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा Na2CO3 और H2O से, मीन्स हाइड्रोलाइसिस से। इसकी फोर्थ प्रिपरेशन में ग्रिगनार्ड रिएजेंट और इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका ग्रिगनार्ड रिएजेंट से, और फिर ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज़ करके फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, उससे 1,2 ग्लाइकोल बनेगा। इसमें भी डिफरेंट कार्बन के ऊपर 2OH ग्रुप अटैच हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये कलरलेस होते हैं, विस्कस है, स्वीट टेस्ट के होते हैं, इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और सोलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है मोनोहाइड्रिक से, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी और सोलिबिलिटी भी मोनोहाइड्रिक्स दोनों ही मोनोहाइड्रिक से ज़्यादा है। इनके केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ जब डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की रिएक्शन होगी तो OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा सोडियम मेटल से, मीन्स सोडियम मेटल दोनों OH ग्रुप को रिप्लेस करके O के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो दोनों OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। ये होगी रिएक्शन विद मेटल। इसकी डाईहाइड्रिक एल्कोहल की सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, जिसमें दोनों OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएंगे दोनों Cl एटम से, तो जिससे इथाइलिन डाईक्लोराइड की प्रिपरेशन हो जाएगी, सेम PCl5 से और SOCl से, SOCl2 जिसको थायनिल क्लोराइड बोलते हैं, इसमें दोनों Cl आ जाएंगे और POCl3 और HCl एस बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, इसमें SO2 और HCl बाहर आ जाएगी, मीन्स दोनों OH ग्रुप को क्लोरीन एटम रिप्लेस कर देगा। फोर्थ में PI3 से इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जब इसकी रिएक्शन होगी तो दोनों OH ग्रुप आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे और H3PO3 एसिड एस बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगी, इसमें इसका डिहाइड्रेशन कर देंगे तो इपोक्साइड बना लेगा और वाटर बाहर आ जाएगा।